गब्बर ठाकुर, जांबाज जय, दिलफेंक वीरू, बसंती की बकबक, शोले की वो यादें भला कौन भूल सकता है। 1975 में रिलीज हुई शोले की कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि हकीकत की घटना लगती है। तब जेहन में एक सवाल ये भी उठता है कि फिल्मी कहानी में असल जिंदगी का रंग भरने का जादू आखिर शोले के बाद कोई दूसरी फिल्म क्यों नहीं कर पाई। तो इसका जवाब है शोले के बारे में वो दिलचस्प किस्से और कहानियाँ जिसे बहुत कम लोग जानते होंगे। आम फिल्मों की तरह शोले का ताना बाना किसी हीरो को लेकर नहीं एक विलन के इर्द गिर्द बुना गया था, चंबल का खूंखार डकैत गब्बर सिंह। हिंदी सिनेमा के इतिहास में गब्बर यकीनन पहला किरदार है जो फिल्म से ऊपर उठ गया। ये 50 के दशक में चंबल के उस खूंखार डाकू का फिल्मी रूप था जिसकी कहानियां स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान ने अपने पिता से सुनी थी और एक सिनेमाई कहानी बना डाली। गब्बर का किरदार तय होते ही शोले का ड्रामा रचने का काम शुरू हो गया जिसमें दूसरा किरदार संजीव कुमार यानी ठाकुर बलदेव सिंह का गढ़ा गया। ये नाम असल जिंदगी में सलीम खान के ससुर का था। ठाकुर का किरदार पर्दे पर वैसा ही सख्त उसूलों वाला है जैसा असल जिंदगी में सलीम खान के ससुर थे। इसी तरह जय और वीरू का ताल्लुक सलीम खान की असल जिंदगी से है। दोनों कॉलेज के दिनों में सलीम खान के दोस्त हुआ करते थे। जय ऐसा ही जांबाज और वीरू ऐसा ही दिलफेंक। शोले का सूरमा भोपाली भी असल जिंदगी का जीता जागता किरदार था। ठेठ भोपाली लहजा और मजाकिया मिजाज के सूरमा भोपाली असल में फॉरेस्ट ऑफिसर थे जिन्हें भोपाल के दिनों से ही जानते थे जावेद अख्तर। अंग्रेजों के जमाने के इस जेलर का लुक भले ही हिटलर की तर्ज पर तैयार किया गया था, बहुत से लोग इसे चार्ली चैपलिन के द ग्रेट डिक्टेटर से उठाया गया मानते हैं, लेकिन इसे निभाने वाले असरानी कहते हैं इस रोल में उन्होंने जान डाली थी अपने एक प्रोफेसर की प्रेरणा से। डायरेक्टर रमेश सिप्पी चाहते थे गब्बर का रोल डैनी करें। डैनी को 5,000 रुपए का एडवांस देकर साइन भी कर लिया गया, लेकिन जब सलीम जावेद ने फिल्म की पूरी कहानी सुनाई तो इसके दावेदार कई हो गए। संजीव कुमार गब्बर के लिए ठाकुर का रोल छोड़ने को तैयार हो गए तो अमिताभ भी जय का रोल भूल बैठे, लेकिन ये रोल तो लिखा था अमजद खान की किस्मत में। अमजद खान के बारे में पूरी यूनिट की राय थी कि उनकी आवाज में दम नहीं, सिर्फ दाढ़ी बढ़ाने और दांत काले करने से कोई डाकू नहीं दिखता, लेकिन अमजद सलीम जावेद की पसंद थे और डायरेक्टर रमेश सिप्पी पर उन पर दाव लगाने को तैयार थे। अपनी कल्पना के मुताबिक अमजद ने गब्बर के कुछ अंदाज भी गढ़ लिए थे, जैसे सांभा को बुलाने का ये अंदाज। ये आइडिया अमजद को अपने पड़ोस के एक धोबी से मिला था। वो धोबी इसी अंदाज में अपनी पत्नी को बुलाता था, अरे ओ शांति। बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूर रामनगरम के इस इलाके में शूटिंग के लायक कोई खास सुविधा तो नहीं थी, लेकिन रमेश सिप्पी को यहाँ की पहाड़ियाँ और बड़े बड़े चट्टानों की मौजूदगी इतनी भाई कि उन्होंने तुमकुर इलाके में शोले का रामगढ़ बसाने का फैसला कर लिया। शोले हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहली बार सिल्वर जुबली वाली फिल्म बनी जिसने अपनी लागत से 3,000 गुना ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड बनाया। इसके नाम आज भी रिकॉर्ड है। पूरे देश के 60 सिनेमा घरों में 50 हफ्तों की गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करने का। फिल्म में बसंती के साथ वीरू का दिलफेंक किरदार कहानी के तनाव को हल्का फुल्का बनाने के लिए गढ़ा गया था। दोनों के बीच जानबूझकर नोकझोंक और रोमांस के कई सीन खास तौर पर गढ़े गए थे क्योंकि उस समय धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच रियल वाला रोमांस चल रहा था। सिनेमा घरों में शोले का पहला हफ्ता बेहद ठंडा रहा। सिनेमा घरों के अंदर बाहर सन्नाटा देख रमेश सिप्पी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तब हर अखबार मैगजीन के फिल्म समीक्षकों ने भी शोले को फ्लॉप घोषित कर दिया था, लेकिन दूसरे हफ्ते में एक अजीब खबर आई। सिनेमा घर के एक मालिक ने फोन कर रमेश सिप्पी को बधाई दी। सिप्पी साहब बधाई हो, मेरे हॉल में सॉफ्ट ड्रिंक, पॉपकॉर्न और आइसक्रीम की बिक्री गिर गई है। रमेश को ये लगा कि ये क्या पागलपन है। उसने कहा, सर मतलब ये है कि ऑडियंस इंटरवल में भी सीट नहीं छोड़ना चाहती, फिल्म हिट हो गई है।